भाई हर राम राम। आप उन्हें देख रहे हैं बुंदेली चुगली, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। जैसा कि आपका पता है कि हमने जो 168 घंटा को जो सफाई अभियान चलो तो आप लोगों ने शुरू से कवरेज दिखाई है, और आज वही सिलसिला में आगे बढ़त हमेटे आ गए। विराज गार्डन में आज को समापन करो जा रहा हूँ, कि जो हमारे सफाई योद्धा हती, जो सफाई कर्मी हती, उनको आज सम्मान करो जा रहा हूँ। कैसे जो पहली बार भव ये सो छतरपुर के इतिहास में, बुंदेलखंड के इतिहास में पहली बार भव, कि जहाँ 168 घंटा कछु मायने रख, 24 घंटा दिन रात जो काम जारी रहो, इधर रोको नहीं गो। और आज उनको रिजल्ट भी सामने है, जैसा कि देखो जा सकत, सभी जने जानत भी है, उनका दिखाऊ थे हम आपका एक एक आवाज, उनको सम्मान समारोह है, तो वो सम्मान भी हम उनको देखो अभी आपका एक एक लाइव प्रस्तुति है। जब बुंदेली चुगली से आप सभी जने घर बैठ कर को आनंद लो, हम एक एक चीज आपके समक्ष रख दिए, दिखवा भी पुरस्कार हुई है थे भैया, उनको स्वागत हुई है, उनको सम्मान हुई है। महात्मा गांधी जी की, राष्ट्रपिता जी की फोटो लगा के भैया माल्यार्पण करके, दीप प्रज्वलित करके, दीप जला के भैया इस कार्यक्रम को शुभारम्भ करूँगा। अतिथियन में अगर देखो जाए तो भैया ललिता यादव हैं प्रदेश मंत्री, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं अर्चना सिंह, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू राजा, और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, DIG विवेक राज सिंह, CMO ओमपाल सिंह, और न्यायाधीश महोदय भी विराजमान हैं, समाज सेवी संगठन भी हैं भैया, करीब करीब सभी जने आए हैं। कैसे कि उनको आज जो समापन है 168 घंटा जो महाअभियान चलो तो समर्थन जनता को भी अच्छो मिलो, इन्हें और समर्थन इन्हें समाज सेवियन को, संगठनन को वो भी समर्थन मिलो, वो भी भैया काबिली तारीफ है, उनकी भी तारीफ करो चाहिए। सभी जनन के जीने जीने इनमें सहयोग करो ही सफाई अभियान में, तो भैया सभी जनन को बहुत बहुत साधुवाद है। अब जो कार्यक्रम की शुरुआत हो तो हम आपका इत की प्रस्तुति दिखवा भी, सीधी लाइव प्रस्तुति है जा, जैसे जो शुरू हो रहा हो हम वही समय आपका प्रस्तुत कर भी या लाइव, आप उन्हें उनको आनंद ले। धीरे धीरे भैया इतने की जनता जुड़त जा रही है, इकट्ठी हो जा रही, एक एक कार्यक्रम की प्रस्तुति आपके सामने रहे है। अब हम आगे चल के ये कार्यक्रम दिखवा रहे, और देखो कोशिश यही कर भी हम कि एक एक पल को अपडेट आपको मिल जाए, एक एक अपडेट आपके सामने आ जाए। जो है भैया बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है, घर बैठ के अपन लोगों ने आनंद लिया, उनको जो है कि देखो जा सकते कि चारों तरफ से जन समूह जुड़े हैं, जैसे कि हम आपका देखवा रहे कि जितने सफाई कर्मी हैं भैया, जिन्हें 168 घंटा की महाअभियान में साथ दौ है, उनको आज सम्मान हो रहा, जैसे कि भी सामने स्टेडियम में बैठे भी हैं, दिखाओ भी जा सकते कि भी स्टेडियम में सामने है, देखो स्टेज पर बैठे सभी जने जिनको सम्मान करो जाने। जब बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति आप लोगों के लाने यही से दिखाई जा रही भैया, कि जो कार्यक्रम छूटे ना, कार्यक्रम की एक एक झलक हमने आप तक पहुंचाई है, आगे भी पहुंचा दी। जब लाइव प्रस्तुति आप घर बैठ के देखो, अब पूरा कवरेज हम आपका सामने से दिखवा रहे भैया। हम अपनी वाणी से विराम दे रहे, थोड़ी देर बाद हम फिर से शुरू हो भी।
जो नीचे विराजमान है वो भी तालियां बजाएं और थोड़ा तालियां बजा लें, एक्सरसाइज भी हो जाएगी फिजिकल। अद्भुत समय कभी कभार ही मिलता है। सभी अतिथियों द्वारा हमारे सफाई मित्र सफाई कर्मियों का स्वागत, हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का नगर पालिका की ओर से हार्दिक धन्यवाद आभार। अरे सर आपको फोकस गलत आ रहा होगा, और आप इस साइड चले जाओ, इस साइड है, यहाँ इस साइड है, यहाँ कच्ची है, सर इधर आ जाइए, अरविंद और पीछे हो लो, और पीछे हो जाए, नहीं तो गिर पा। कड़ापन छतरपुर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कड़ापन है, सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, बता दिया है लोगों ने भी, एकजुट हो गए हैं, क्या नेता क्या अधिकारी क्या कर्मचारी और क्या समस्या, सभी लोगों ने एकजुटता से इसका पालन किया और सफाई देने के बाद मास्क लगा लीजिए, लगे रहे सफाई कराते रहे और रुके नहीं, छोटा सेशन का ये दौर चलता हुआ अब मैं सबको आप सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अभियान हमारा 18 तारीख से 24 तारीख तक लगातार चला और आज 25वीं तारीख भी महुआ रोड के लिए बढ़ा दी गई है। तो ये स्टार्ट हुआ हमारा रेलवे स्टेशन से, पन्ना रोड से पूरा यहाँ तक आए, तो नौगांव रोड ट्रांसपोर्ट नगर, सागर से पंचवटी ढाबा और महुआ रोड पे आरटीओ ऑफिस तक ये अभियान हमारा लगातार 24 घंटे चला। इसमें हमने स्वच्छता के अलावा जो डस्टबिन नहीं रखे हुए थे ऐसे 78 लोगों को उनके खिलाफ चालान भी हमने किया, और जिसमें हमने
30,850 रुपए का जुर्माना भी इसके साथ किया। और यह अनुरोध किया सबसे कि पॉलिथिन बैन है, पॉलिथिन पर रोक लगाई जाए। छतरपुर उन जिलों में है जहां कचरा प्रसंस्करण केंद्र बना हुआ है, यह समझ से आवश्यक है जानकारी देना। हम लोग तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि यहाँ कचरा प्रसंस्करण केंद्र बना हुआ है। और मैं इस मंच से उस विभूति जिसने ये बनवाया था, हमारे बीच में है सम्मानीय डीडी तिवारी जी जो नगर पालिका सीएमओ छतरपुर रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कचरा प्रसंस्करण बनाया हमारे लिए। आप सबसे अनुरोध है कि एक नजर उसमें जरूर डालें, ये हमारी नगर की चीज है और उस कचरा प्रसंस्करण में क्या हो रहा है हमें देखना जरूरी है। उसके लिए हम दो तीन चीजें आपको सीधे साधे बता देते हैं कि कचरा प्रसंस्करण में हमारा एक एमआरएफ केंद्र बना हुआ है। उस एमआरएफ केंद्र में जो कचरा हमारे नगर से डोर टू डोर से इकट्ठा होता है उसको हम पृथक्करण करते हैं, कांच अलग करते हैं, प्लास्टिक अलग करते हैं, पन्नी अलग करते हैं, लोहा अलग करते हैं। वो एमआरएफ केंद्र हमारे यहाँ का चालू है, आप जब आपको टाइम मिले तो आप जरूर जाएं। पन्ना रोड पे ये बना हुआ है, आप थोड़ी अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम कंपोस्टिंग खाद भी बना रहे हैं। कंपोस्टिंग खाद भी दो प्रकार की बनाते हैं, बर्मिंग और नॉप, कैचुआ वाली खाद और जो अपना ये मटेरियल लेता है, छिलके रहते हैं, इनसे बनाने का खाद हम बना रहे हैं। और बना के बोरिया वहाँ तैयार करते हैं और बोरिया तैयार करने के अब ये प्रक्रिया चल रही है, कुछ बेचने का काम भी करेंगे। कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया हम लोगों को कि वहाँ जो प्लास्टिक हम लोग इकट्ठा करते हैं उसको पेश करके वो मशीन के लिए सीएमओ साहब को बोला है, तो वो मशीन आ जाएगी तो जो रोडें हमारी बनती हैं वो प्लास्टिक जो हमारी पट्टी बनेगी उससे हम रोड बनाने का काम उसमें करेंगे। FSTP एक प्लांट होता है वो भी वहां बना हुआ है, जिसमें हमारे घर के जो शौचालय होते हैं और जो टैंक होते हैं उन टैंकों को जब टैंक भर जाते हैं तो आप नगर पालिका को कॉल करके अपने टैंक खाली करवा सकते हैं। और 3,000 लीटर का जो टैंक होता है, टैंकर होता है, उससे 1,000 रुपए जमा करने पर आपका टैंक खाली करवाया जाएगा। और जो टैंक खाली होता है उसका जो मटेरियल निकलता है उसको हम उस FSTP में क्वालिफाई करते हैं और उससे हम खाद बनाने का काम करते हैं। उसके लिए 6 पिट हमारे द्वारा बनाए गए हैं, नगर पालिका के द्वारा 6 पिट बनाए गए हैं और उनका रिपेयरिंग बराबर होती रहती है और एक काम चलता रहता है। स्वच्छता के साथ ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब नंबरिंग की मार्किंग होती है तो इन चीजों में हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है और उसका कई काम हमारे नगर पालिका द्वारा सतत किया जा रहा है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है हमारे बच्चों का, ये सारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, लगभग 8 स्कूल के बच्चे हैं, जहां हमने स्वच्छता की जागरूकता चलाई और इन बच्चों ने बहुत अच्छी चित्रकला की और निबंध का भी लेखन किया।